अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर जुबैर। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी तमाम अपने देखने वालों को। आज हम मौजूद हैं प्रिंस मार्शल आर्ट एकेडमी में, जहां पर हमारे साथ मार्शल सुकरात फारूकी साहब भी मौजूद होंगे। और आज हम बात करेंगे टैक्वेंडो। टैक्वेंडो है क्या बेसिकली, इसकी ट्रिक्स क्या है, इसको कैसे सीखते हैं, इस पर क्या क्या चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। आपको बताते चलूँ, टैक्वेंडो इज़ अ बेसिकली सेल्फ डिफेंस डिसिप्लिन, जहाँ पे हम डिसिप्लिन में रह के खुद को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मजीद इस पर बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से, मास्टर फारूक सुकराती साहब। Taekwondo, and this is a very good sport for students and adults. Who's your master? What's the name of him? Sir Farooqi. Achha, to kitne saal se seekh rahe hain aap? 1 year, I guess. सीख रहे हैं आप? 1 साल से। आपके मास्टर कौन है? सर फारूकी। सर फारूकी आपके मास्टर है, तो सर फारूकी आपको कैसा सिखा रहे हैं, मास्टर जी जो आपको सिखा रहे हैं? बहुत अच्छे से आ रहे, स्ट्रेच भी आता है और रहाई भी करता हूँ मैं। सर फारूकी ने मेरे मामू को बताया, तो मामू ने मुझे यहाँ पर लाया। आपको खुद से भी शौक है या बस सर फारूकी के कहने से सीख रहे हैं? जी मुझे भी शौक है। लग रहा है आपको ये सीख के? हमें बहुत मजा आता है। कब तक सीखने का इरादा है? जब तक है जान। अच्छा, तो मास्टर का नाम बताएं, कौन से मास्टर जी सिखा रहे हैं? हमारे सर फारूकी हैं और सर शकील। सर फारूकी और सर शकील सिखा रहे हैं। तो कभी रियल लाइफ में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने का मौका मिला? करने आए हैं आप? कराटे सीखने। कराटे सीखने, कितने टाइम से सीख रहे हैं आप? मैं 1 साल से। 1 साल से सीख रहे हैं, तो कौन सिखा रहा है आप? सर फारूकी। सर फारूकी, सर फारूकी मार मार के सिखाते हैं या प्यार से सिखाते हैं? प्यार से। प्यार से क्या क्या सिखाते हैं? प्यार से लड़ना सिखाते हैं? फाइट करना। मार्शल आर्ट्स में आने का शौक कैसे हुआ? एक्चुअली बहुत टाइम से था, मतलब मेरे बाबा को शौक है, मेरी फैमिली में है तो मुझे शौक था हमेशा से। कितने साल से सीख रही? आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर, तो मतलब किसी ने इंस्पायर किया या सिर्फ शौक की वजह से भी आई? मेरे बाबा मुझे इंस्पायर करते हैं, तो उसकी वजह से एज ए यू नो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मुझे फिर प्रिंस मार्शल आर्ट्स का पता चला और मैंने कहा लेट्स ट्राई। अच्छा, तो मायशा मैं आपसे पूछूंगी, बीनागढ़ आपको कुछ टिपिकल चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट होती हैं, कभी कोई मुश्किल आती हैं?
नहीं, आई फील सर सबको सही से सिखाते हैं, इक्वली सिखाते हैं। कौन से सर सिखाते हैं? सर फारूकी सिखाते हैं। हाँ सर, हमें सेम सिखाते हैं, लेकिन हमें सेल्फ डिफेंस भी सबको सेम चीज़ें सिखाते हैं, कोई मतलब ये नहीं होता, क्योंकि टाइकोंडो इज़। कभी कोई कॉम्पिटिशन विन किया? कॉम्पिटिशन अभी एक हुआ था, उसमें विन नहीं बट पोजिशन थी ऑब्वियसली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फारूकी सिखा रहे हैं जी। तो कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं? अभी तक तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, बहुत अच्छी हमारी ट्रेनिंग होती है, इसलिए ऐसे कभी। अभी ये नया नया शौक है या बस अब सीखना है तो सीखना है? आगे अभी सीखना है, जब तक ब्लैक बेल्ट ही मिल जाती है। मास्टर जी कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मास्टर जी, आप लोगों ने आज हमारा दौरा किया। नहीं, बल्कि आपको मैं शुक्रिया अदा आपका करना चाहूंगी कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें अपना वक्त दिया, और जो काम आप माशाल्लाह से कर रहे हैं इट्स रियली अप्रिशिएटेबल मास्टर जी। तो मास्टर जी बेसिकली मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि माशाल्लाह आपको लोग इतना मास्टर जी करते हैं, तो बेसिकली मास्टर जी टैक्वेंडो के मास्टर जी, ये है क्या टैक्वेंडो, आप जरा बताएं जी। मास्टर तो इसलिए कहते हैं जब आप 5 डन से ऊपर हो जाते हैं ना, तो आप मास्टर लेवल पे आ जाते हैं। 5 डन यानी 1 डन 2 डन 3 डन इस तरह 10 डन तक होता है। अच्छा, तो 5 डन जब आप पहुंच जाते हैं तो मास्टर लेवल पे आते हैं, फिर आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं। 7 डन जब हो जाते हैं फिर ग्रैंड मास्टर शुरू होता है। फिर टाइकोंडो, ये है कि टाइकोंडो से लोग समझते हैं, ये ताई एक कराटे हुआ करता था, तो लोग समझते हैं कि ये ताई से कोई ताल्लुक है, ताई से ताल्लुक नहीं। टाइकोंडो एक कोरियन लफ्ज है, तो टाई का मतलब होता है किक, एंड क्वान का मतलब पंच, और डो का मतलब स्टाइल, यानी किक एंड पंच स्टाइल। तो अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह करना है, किक और पंच से करना है। सही। यानी कि जिस तरह जूडो होता है उसमें ग्रैपलिंग होती है, थ्रो होती है, उसमें लपट कर लड़ते हैं जी। ये दूर दूर से लड़ते हैं, तो टाइकोंडो कोरियन गेम है। तो जिस तरह कराटे जापान का है, कुंग फू चाइना का है, तो कोरियन गेम है, तो इसलिए ये कोरियन ही नाम चल रहे होते हैं इसके अंदर। जो किक के नाम है वो भी कोरियन में, पंचेस के नाम है वो भी कोरियन में। अच्छा मास्टर जी, आप माशाल्लाह से प्रेसिडेंट हैं टैक्वेंडो एकेडमी के, आप प्रिंस मार्शल के भी, मार्शल आर्ट्स के भी प्रेसिडेंट हैं, तो ये आपके दिमाग में कैसे सोच आई कि अगर आपने सीखा है तो अब आप यहाँ पाकिस्तान कराची में भी दूसरों को सिखा रहे हैं, और आई गेस जहाँ तक मैं अगर गलत ना हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, राइट? हमारा एक कैंपस है जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, तो मदरसे के भी बच्चे हैं जो गरीब नहीं दे सकते, तो हमको यूनिफॉर्म तक अपनी जेब से देते हैं। अच्छा। बाकी जाहिर है हमारे साथ भी पेड़ लगा हुआ है, और जो हमारे दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं, 4 कैंपस हैं, तो हर कैंपस के इंस्ट्रक्टर को भी जाहिर है फीस देनी है। जो जगह हमने ली है तो गवर्नमेंट की जगह है, तो ये हॉल का किराया 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे जिम वाला है, एक हिस्सा जिम वाले ने लिया है कि रिंग में रेसलिंग कराते हैं, हम टाइकोंडो कराते हैं, हमने तीनों ने डिवाइड किया हुआ 1 लाख रुपए को। तो इस तरह वो हमें कवर करना है, लेकिन बहरहाल हम कमा नहीं रहे एक्चुअली, ये हम पैजन है हमारा, ये पैजन है कि जो हमने सीखा है वो आगे डिलीवर करें। एक वक्त था मैं खुद प्लेयर था, खुद जाता था, अब जाहिर में एज हो गई तो अब मैं खुद प्लेयर नहीं हूँ, तो अब मेरे बहरहाल मेरे बेटे हैं वो भी टाइकोंडो करते हैं, वो भी प्लेयर हैं, तो उनको भी सिखा रहे हैं। फिर वो हम जो हमने डिलीवर किया है, जो हमने सीखा है उसको हम चाह रहे हैं डिलीवर करें आगे। सही। अच्छा मास्टर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि लाइक आपको किसने इतना मोटिवेट किया कि आपने ये फील्ड चूज की, ये स्पोर्ट को आपने इतना हाईलाइट किया और आप आज इस मकाम पर बैठे हैं? और उसके साथ साथ अभी मैंने देखा आपके एकेडमी में कि 3 से 4 साल के बच्चे भी सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको किसने मोटिवेट किया और आपने ये चूज किया? जो मार्शल आर्ट के अंदर मैं आया हूँ, तो ब्रूस ली की फिल्में देखकर 1979 में इंटर फर्स्ट ईयर में होता था मैं। सही। तो उस वक्त मैं 17 साल की मेरी उम्र थी जी। जब से मैंने शुरू किया ब्रूस ली का नंचकू देख के चलाना शुरू किया, उसकी उनकी फिल्मों में इंस्पायर किया, और आज जो मेरी उम्र आपके ख्याल में क्या होगी? 40+ मेरी उम्र 59 है माशाल्लाह। और आज भी मैं बच्चों से फाइट भी कर रहा होता हूँ अभी तक, अपने आप को फिट रखा है, क्योंकि अंदर से एक पैजन है मेरे अंदर, सीखना है कुछ और सिखाना है। सही। अच्छा मास्टर जी, हालांकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन तो मैं आईटी प्रोफेशन हूँ। अच्छा। तो मैं मतलब आईटी और वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं जी। आपने इस चीज को रोका नहीं है, आप चाहते हैं कि जब आप कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी करवा सकते हैं, और फिर वो भी कर सकते हैं, और वो भी आगे करवा सकते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा मास्टर जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें टैक्वेंडो के बारे में बताएं, जैसे इसमें पंचिंग है, किकिंग है और जो है और भी स्टाइल्स होते हैं, तो किस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से मार्शल आर्ट के तकरीबन 56 से ऊपर स्टाइल है। तो टैक्वेंडो इस वक्त दुनिया में नंबर वन चल रहा है, क्योंकि टैक्वेंडो को प्रमोट किया है कोरियन गवर्नमेंट ने और कोरियन आर्मी ने अपना ऑफिशियल गेम करा हुआ है, तो वो इसको बाकायदा पूरी दुनिया में कई तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग इसी को करते हैं। दूसरे टाइकोंडो के अंदर सेफ्टी जो है मस्ट है, यानी कि जब आप प्रोफेशनल फाइट करने जाते हैं किसी इवेंट के अंदर, तो आप दांतों के अंदर भी गम गार्ड लगाते हैं, यहाँ पे चेस्ट गार्ड, यहाँ पे हेड गार्ड, यहाँ पे आर्म गार्ड या शिन गार्ड, तो बगैर गार्ड के अलाउ नहीं है कि आप किसी बड़े इवेंट के अंदर जाएं। अच्छा। क्लब में तो फिर भी करते हैं, लेकिन हम अपने क्लब में भी बच्चों को पहना कर ही कराते हैं, तो सेफ्टी की वजह से बच्चे भी आते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। अच्छा, लेकिन मास्टर जी देखा जाए तो पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है टैक्वांडो का, मार्शल आर्ट्स को वो रुतबा हासिल नहीं है, वो मकाम हासिल नहीं है जो और स्पोर्ट्स को है, ऐसा क्यों है, क्या वजूहत है? ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा क्रिकेट पे जा रहा होता है, यानी किसी किस्म का स्पॉन्सर में आज तक किसी ने 5,000 रुपये का स्पॉन्सर नहीं करा क्रिकेट में, लाखों करोड़ों का स्पॉन्सर हो रहा होता है, तो स्पॉन्सर होता है तो फिर तो कभी आपने किया अप्रोच किया किसी गवर्नमेंट इदारे को या किसी ऐसे ऑफिशियल को? गवर्नमेंट इदारे का तो मैंने अप्रोच नहीं किया कभी, लेकिन ये कि कंपनीज को अप्रोच किया हमने, लेकिन इसमें लोग नहीं करते स्पॉन्सर। तो बहरहाल मैं अल्लाह का शुक्र कि और जगह से कमा रहा होता तो अपने ही बच्चों को ऊपर लगा रहे होते ताकि ये ग्रास रूट लेवल से जाएंगे तो ये नेशनल तक पहुँचेंगे, और नेशनल तक पहुँचाएं बच्चे हमने, वहाँ से भी लोग बच्चे हमारे मेडल लेकर आए नेशनल लेवल पे, और यहाँ से हमारे बच्चे जो कि हम एक तो दूसरे क्लब होते हैं सिर्फ कराटे सिखा रहे हैं, सिर्फ टाइकोंडो सिखा रहे हैं, हम जो है सिर्फ ये नहीं, ये स्पोर्ट्स गेम है असल में, स्पोर्ट्स है जी, जी, तो स्पोर्ट्स में होता है जी, यहाँ हमारा 2 पॉइंट, यहाँ हमारा 3 पॉइंट, घूम के हमारा 5 पॉइंट, तो अब बाहर निकल गया सड़क पे बंदा और वहाँ कोई फड्डा हो गया उसका कुछ हो गया तो वहाँ पॉइंट सिस्टम नहीं चलेगा, वहाँ तो आपको नॉकआउट करके गिरा देगा बंदा, या कोई छीनने आया आपसे कोई पिस्टल दिखा के लाओ मोबाइल दो तो वो तो आपको जो है जान से मार देगा। तो मैं अपने बच्चों को, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, छोटे बच्चों को भी सिखाता हूँ कि आप रोड पे जाओगे तो आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो कैसे करो उसको। तो हम जो है सिर्फ टाइकोंडो नहीं सिखाते, टाइकोंडो को हम मार्शल आर्ट के साथ और भी दूसरी चीजें सिखाते हैं, दूसरे हम उनको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं और रियल सिनेरियो के अंदर जो कुछ होता है ना, सिनेरियो बेस्ड सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। तो कभी ऐसा होता है मास्टर जी, अक्सर तो ये होता है कि अगर हकीकतन ये खुदा ना खास्ता हादसा पेश आए तो इंसान मेंटली प्रिपेयर होता है कि उसने जो सीखा है वो वही सब कुछ करे। यही तो बात है कि जो कुछ आपने सीखा होता है ना तो मसल मेमोरी में आ जाते हैं आपकी। अच्छा। जैसे आपके पास आँख, यूं करो तो आप आँख बंद कर लेंगे ना, आँख बंद कर लेंगे, वो एक बंदे का है मसल मेमोरी में आ गया, तो जब आप बार बार ये चीज कर रहे होते हैं ना तो वो आपके मेमोरी में आ जाता है कि भी ये ऐसा बंदा सामने आ जाए तो ये करना है मुझे। अच्छा, ये होगा। अच्छा, तो मास्टर जी बेसिकली टैक्वेंडो हो गया या मार्शल आर्ट्स का अगर हम बात करें तो क्या एज होनी चाहिए कि आप बच्चे को अगर एडमिशन करवाना है तो हम उसमें करवा सकते? 4 साल की उम्र ऐसी है, 4 से 5 साल की उम्र, तो उसमें बच्चा जो है ना बहुत पिक करता है और वो बहुत जल्दी पिक कर लेता है, और उसके फिर बॉडी जो कि फ्लेक्सिबल होती है तो स्ट्रेचिंग बहुत जल्दी खुल जाती है। और फिर वो 4 से 5 साल की उम्र तक आते आते मास्टर जी की उम्र तक आ जाता है और उसको सीखने के बाद सिखा भी रहा है। तीन बेटे हैं, सबको मैंने 5-5 साल की उम्र से डाला है। अच्छा। और वो सब नेशनल पे ले रहे हैं। तो आप कितने सालों से ये मास्टर जी सिखा रहे हैं? ये हमारा अपना प्रिंस टाइकोंडो क्लब जो है 10 साल से खुला हुआ है। अच्छा। वैसे मैं 20 साल से टाइकोंडो में हूँ, बाकी मैंने बताया 79 से डिफरेंट गेम्स के अंदर। कैसे ख्याल आया मास्टर जी की आपने अपना अकेडमी खोलना है और फिर बच्चों को सिखाना है, क्योंकि आप माशाल्लाह भी आप कह रहे हैं कि आप आईटी की फील्ड से भी वाबस्ता हैं? आईटी के फील्ड में मेरे मेन वही है मेरा काम है, तो मैं दिन में वो काम कर रहा होता हूँ, शाम को अपने क्लब में आता हूँ। और अपना क्लब खोलने का इस तरह है कि हमारे एक मास्टर दुबेरी थे तो उन्होंने बोला यार कब तक तो इधर उधर दूसरा क्लबों में सिखाते रहोगे, अपना क्लब खोलो। तो उनको कहने पर हुआ, फिर अब क्लब खोलने के लिए जगह चाहिए थी, अब जगह जाहिर है इतने आसानी से मिलती नहीं है, तो ये हमारे रियान हाशमी थे, मैंने थे हमारे इलाके के मतदा के, तो वो उनसे सलाम दुआ थी, तो उनसे मैंने कहा भाई रियान भाई जगह चाहिए मुझे, तो उन्होंने वो पार्क दिया मुझे फरहान शहीद पार्क नौ नजाबाद में। हाँ, वो खुद ब्लैक बेल्ट हैं उसमें बुशीबन कराटे में, तो रियान हाशमी साहब। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहरहाल दिया अपने ताल्लुकात की वजह से, उन्होंने जगह दिला दी, वो फिर पार्क में सिखाता रहा बहुत अरसे तक। अच्छा। फिर हमने थोड़े अरसे के बाद अभी हमें ब्लॉक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिला है, अब यहाँ तकरीबन 1.5-2 साल हुए हमें। अच्छा मास्टर जी, मैं आऊंगी अपने अगले सवाल की तरफ, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और फिर जो है मतलब यूनिफॉर्म वगैरह हो गया और जो इनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जी, वो सब हमने खुद खरीद के लाते हैं, सभी हमने खरीदा हुआ है ना, और क्लबों में होते हैं भाई जॉब ने चेस गार्ड खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ,
तो वो एक एक बच्चे की किट 3,500 रुपये की 4,000 रुपये की आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हमने 8-10 किटें रखी हुई हैं, तो हम जब हम फाइट कराते हैं तो उनको पहनाते हैं, फिर वापस अपने क्लब में रख लेते हैं। अच्छा, तो मास्टर जी, अच्छा मैं एक और अपने सवाल की तरफ आऊंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि माशाल्लाह आप भी खुद अभी इस वक्त ब्लैक बेल्ट वेयर किए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करें, किस उम्र में आपको जो है ये बेल्ट आपने रिसीव किया और कैसे और कहां? ताइक्वांडो जब शुरू किया तो मैंने उस वक्त 38 इयर्स मेरी उम्र एज थी जब वाइट बेल्ट से स्टार्ट किया मैंने। पहले मैं बांडो कराटे, बेल्ट तो ताइक्वांडो में 7 होती है, 7 कौन कौन सी? वाइट बेल्ट होती है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर आपके रेड और फिर ब्लैक। अच्छा। तो 6 बेल्ट्स होती हैं, हर बेल्ट का जूनियर सीनियर लेवल होता है। अच्छा। फिर जब ब्लैक बेल्ट पे आते हैं तो फिर 1 डन 2 डन 3 डन इस तरह 10 डन तक जाता है। सही। तो अब आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं, 38 में जब आप गए तो आपको लगता था कि आप ब्लैक बेल्ट लेकर आएंगे? जी जी, उस वक्त बस ये था, मैंने पहले जब मैं स्कूल में था ना, कॉलेज में सॉरी 79 में, तो इंटर में नंबर अच्छे नहीं आए तो घर वालों ने छोड़वा दिया मुझे, क्लब से उठवा लिया कि भाई नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। मैं छुप छुपा के दोस्तों के घर जाके, क्लबों में, जान पहचान वालों के जाके रेगुलर नहीं जाता था लेकिन करता रहता था। सही। तो मेरा जब शादी हो गई थी, मेरा बेटा 6 साल का हुआ, तो एक बेटा 6 साल का था, 4 साल का, उन दोनों को लेकर गया मैं हाजी क्लब। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, एक दो पुराने मास्टर मिल गए, तो उन्होंने कहा भाई पहले तुम करते थे, तुम्हारे अब पेट निकल रहा है, क्या हो रहा है, तुमने क्या बना लिया अपने आपको, तो तुम तो बड़े जबरदस्त थे, तो दोबारा शुरू करो तुम अपने साथ। मैंने बोला अब छोड़े, अब शादी होती होगी, अब क्या करूंगा शुरू, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दोबारा शुरू करो। तो उन्होंने बेटे के साथ शुरू किया, तो जो बड़ा बेटा था, दोनों बाप बेटा ने एक साथ ब्लैक बेल्ट ली। मेरी थी 6 साल उसकी उम्र थी, लेकिन दोनों ने फिर एक साथ उन्होंने तो इस तरह ब्लैक बेल्ट ली। फिर 1 डन हो गए तो बस बेगम ने बोला बस बहुत हो गया, अब छोड़ो बस। मैंने बोला नहीं, अब आगे जाना है, रुकना नहीं है, सफर को जब तक हाथ पैर चल रहा है चिक्का रहा है। तो आज माशाल्लाह से 5 डन हूँ। अच्छा, वाह। हमारा जो बच्चों के टेस्ट होते हैं वो 4-4 महीने पे होते हैं, हमारा जो टेस्ट होता है 2-2 साल पे होता है। सही। तो अच्छा मास्टर जी, अभी जो आपकी ये लोकेशन है, ये प्रिंस मार्शल आर्ट्स की लोकेशन है, और अभी इसकी दूसरी लोकेशन जो दूसरी एकेडमी है वो कहां पर है? ये भी नॉर्थ नवाबाद एफ ब्लॉक है, वो आई ब्लॉक है, शिपोरन कॉलेज के सामने। वहां पर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है? हां, वहां पे भी हम ही कर रहे होते हैं, वहां पे भी हमने सारा बच्चों के सारे किट्स रखी हुई हैं। ठीक है। कैंपस 1 हमारा 5 स्टार पे है और कैंपस 2 यहां पे एफ ब्लॉक में, यहां पे आइस वगैरह है, इंडोर कैंप कॉम्प्लेक्स है। कितने स्टूडेंट्स आते हैं आपकी एकेडमी में? तकरीबन आजकल तो यहाँ पे समझेंगे 30-35 स्टूडेंट यहाँ हैं, 30 उधर हैं, 30-35 वहाँ हैं। इस तरह थर्ड कैंपस जो है तो यहाँ पे हम नॉमिनल फीस लेते हैं, लेकिन थर्ड कैंपस जो है वहाँ पे हम बिल्कुल 1 रुपया नहीं लेते। अच्छा। उनको हम यूनिफॉर्म अपने पास से भी देते हैं, तो वहाँ पे मदरसे के बच्चे भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको हमने जो बिल्कुल कुछ दे नहीं सकते ना, तो उनके लिए हमने। एक और सवाल अभी आया जब आपने भी बात की, तो ये जो मार्शल आर्ट्स का यूनिफॉर्म होता है इसको डुबोक कहते हैं, इसको इसका नाम इतना डिफरेंट क्यों है, क्या वजह है? उनकी लैंग्वेज है असल में कोरियन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं? मतलब ये कोरियन लव्ज है, जैसे हम अपने इसको कह रहे हैं कि हम कुर्ता पहने हैं, सलवार पहने हैं, तो उन्होंने कोरियन में इसका नाम डोबोक रखा हुआ है, लूज होता है। और अच्छा, इसका व्हाइट कलर ही क्यों होता है? हां, व्हाइट एक पीस का है सिंबल, तो इस वजह से व्हाइट होता है। और ये जो ब्लैक मेरी पेंट है, तो ये एक फोम से होता है, उसके ये ब्लैक और व्हाइट, वरना नॉर्मल टोटल व्हाइट होता है। सही। अच्छा मास्टर जी, अगर मैं सवाल करूँ, अगर कोई बच्चा है वो अगर सीखना चाहता है लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो हम उसको इस चीज़ के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि देखने में तो ये एक मार धाड़ पिटाई इस टाइप की चीज़ है, तो हम उसको कैसे मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए बच्चों के लिए हमारे स्पेशली क्लब में, शायद हमारी क्लब है और कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है हमारे पास, मैं चाहूंगी कि लड़कियां जो हैं वो इस चीज को बिल्कुल सीखे, क्योंकि आजकल का जो एनवायरमेंट हमारा चल रहा है, लड़कियों को तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कोई उन्हें आंख उठाकर भी देख रहा हो तो उनकी वाइब्स इतनी स्ट्रांग हो कि उनको पता चल जाए कि हाँ, हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़कियों का बताता हूँ, पहले बच्चों को बताऊँ कि बच्चों के लिए मैं स्पेशल उन्हें बाहर से सीखा है कोरियन मास्टर से, कि बच्चों को कैसे नफसियाती तौर पर अपने करीब लाएं, बच्चों को कैसे इसमें चार्म पैदा करें बच्चों के लिए। कैसे? तो मैं बच्चों में बच्चा बन जाता हूँ, उनमें ऐसी टेक्निक्स करा रहा हूँ। अच्छा। कि मार्शल आर्ट गेम्स करा रहा था उनको मैं। सही, सही, कि सही। खेल खेल के अंदर जो है ना वो सीख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई चलो एनिमल वॉक करेंगे आज, तो बच्चे एनिमल वॉक कर रहे होते हैं कि भाई इस तरह क्रोकोडाइल कैसे चलता है। अब बच्चों से बोलो डिप्स लगाओ, पुशअप लगाओ, तो वो कह रहे हैं नहीं सर थक गए, ये कर गए। अब क्रोकोडाइल कर रहे हैं, क्रोकोडाइल का तो पूरा वजन हाथ के ऊपर है, तो वो क्रोकोडाइल वॉक करके जा रहे होते हैं। फिर कहते हैं चलो भाई हैंड वॉक कैसे करते हैं, मुर्गी कैसे करती है, पक 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 बोलती है जा रही है, तो हैंड वॉक कर रहे हैं तो पूरा नीचे से बैठ कर ऊपर आ रहे हैं। फिर कहते हैं रैबिट जंप कैसे करता है, फ्रॉग जंप कैसे करता है, फ्रॉग जंप करनी है, रैबिट जंप करनी है,
तो वो खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, उसी में क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर उनको एक शौक हो जाता है, फिर उनको शौक होता है कि भाई बच्चा जो मना कर रहा होता नहीं आएंगे ना, वो अगले दिन खुद मम्मी को घसीट के लाता है कि मुझे चलना है चलना है। सही। और लड़कियों का इस तरह करते हैं कि लड़कियों को मैंने बताया कि इनको समझाया कि बाहर जाओगी तो किस तरह अपने इज्जत की और जान की हिफाजत करोगी, तो कैसे कोई छेड़े तो कैसे करें, बट लड़कियों को सेल्फ डिफेंस खास तौर पे सिखाता हूं मैं जबरदस्ती कि नहीं भी पहले आप टाइकोंडो बाद में सीखो, सेल्फ डिफेंस पहले सीखो। अच्छा, अभी आपके एकेडमी में लड़कियां कितनी हैं, लड़कियों की क्वांटिटी? जी, लड़कियां अभी इस वक्त तो आपको देखेंगे 10-12 हैं, लेकिन वैसे लड़कियां तकरीबन 20 हैं हमारे पास। वाओ, माशाल्लाह, मतलब 20 लड़कियां हैं जो बड़ी लड़कियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की उनकी बात कर रहा हूं। सही, ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी की। और अगर आपके पास कोई बच्ची आती है? छोटी बच्चियां भी आती हैं, वो बच्चों के साथ ही कराते हैं, बड़ी लड़कियों की क्लास अलग कराते हैं। अच्छा अच्छा, लड़कियों को बिल्कुल अलग क्लास कराते हैं, उनको सिखाती भी एक लड़की है और साथ साथ में होता हूं। लड़कों के सीखने में और लड़कियों के सीखने में कोई डिफरेंस है, या जैसा लड़कों को सिखा रहे हैं सेम वैसे नहीं, ही जैसे लड़कों को सिखा रहे हैं सेम वही उनको उतने ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अच्छा, मतलब ताकि कोई लड़का, बाद लड़कियां ऐसी हैं कि वो लड़कों को दौड़ा दौड़ा के मारती हैं, लड़के भाग रहे होते हैं रिंग में। वाकई हम लड़कियां तो होती है ऐसी है, लड़के लड़कियों की फाइट साथ कराते हैं अक्सर, वैसे तो लड़कियों से लड़कियों को कराते हैं, लेकिन जब देखते हैं लड़कियां बहुत आगे चली गई ना, अच्छी फाइटर हो गई, फिर उनको लड़कों से भी फाइट कराते हैं, वो लड़कों को मार के भगाती है। अच्छा, उनको उतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप थोड़ा सा फिटनेस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिटनेस से रिलेटेड हमें कोई चीज इसमें बताएं आप। फिटनेस के लिए ये है कि आप जो हमारी नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती है ना वो कर रहे होते हैं, तो आपकी पैरों में आपकी जान आ रही होती है, हाथ आपके दायरे मजबूत हो रहे होते हैं, और नॉर्मली टाइकोंडो जो है हमारे खासतौर पर इसमें 90% जो है लेग्स चल रही होती है, किक्स चल रही होती है, तो आपके किक्स ऐसे होनी चाहिए कि जिस तरह हाथ आपके घूम रहे हैं वैसे पैर भी ऐसे घूमने चाहिए, तलवार इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि पैर भी ऐसी तलवारों की तरह घूमने चाहिए आपके। अच्छा। तो इसमें लोअर बॉडी की ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं हम, अपर बॉडी की निस्बतन कम कराते हैं, तो स्ट्रेंथ आती है उसमें, तो ज़ाहिर है। और दूसरे बैलेंसिंग सबसे अहम चीज़ है, बैलेंसिंग कि आपने किक उठाई पता लग गिर गए तो आपकी बैलेंसिंग अच्छी नहीं होगी, तो आपके अंदर कितनी भी पावर हो तो फिर आप सही कुछ नहीं कर सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंसिंग ये सारी चीजें मिलाकर। इसमें कोई काइंड्स होती है, इसमें कोई टाइप्स होती है, या बस आप बस मतलब पूरा एक सिलेबस टाइप का तैयार होता है? ये जो टाइकोंडो का सिलेबस है वो कोरियन कोकीवन जो हमारा हेडक्वार्टर है टाइकोंडो का, वो पूरी दुनिया से जो भी करेगा उसको वो उसी सिलेबस को फॉलो करना होगा। अच्छा, क्या होता है उसमें, क्या क्या सिखा रहे होते हैं उसमें? आप सबसे पहले आपके पंचेज होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, फिर किक्स होती है, फिर उससे पहले आपकी फिटनेस की एक्सरसाइजेज होती है। तो मास्टर जी, एक पर्सनल थोड़ा सा मैं कहूँगी सवाल है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं क्या वो इस एबल हो सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके? स्पेशल चाइल्ड भी सीखते हैं, लेकिन मैं नहीं कराता स्पेशल चाइल्ड को, लेकिन बाद हमारे हैं लोग जो उधर ही स्पेशल चाइल्ड को ही करा रहे होते हैं, तो उनके जो कुछ दिक्कत नहीं होती? जाहिर है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कुदरती चीज है, उनको समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, सही, बट वो कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम जाहिर है डबल लगता है, लेकिन वो भी कर लेते हैं। अच्छा। वो हमारे अल्फाज नहीं समझ रहे होते, हम उनको जब करके दिखाते हैं ना कि ऐसे करो, तो वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सही। अच्छा मास्टर जी, आपका कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे आपने सीखा हो कुछ? क्या सीखा? मार्शल आर्ट सीखा। मार्शल आर्ट से ही रिलेटेड कुछ और मजीद सीखा हो, या कोई ऐसा, कोई आपके भी तो मास्टर्स कोई रहे होंगे ना जिन्होंने आपको कोई ऐसी सीख दी हो कि आपने उसको लिया हो, फॉलो किया हो और आज आप माशाल्लाह इस मुकाम पर? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे टीचर रहे मेरे, लेकिन 3-4 ऐसे टीचर हैं इनको मैं फॉलो करता हूँ, तो वो ये करते थे भाई आप पैड के ऊपर बहुत सारे लोग करा रहे होते हैं, पैड पे किक मारो भाई, अब जब सामने बंदा आता है ना उनके, किसी के सामने कोई आ गया तो वो अब ढूंढ रहा था पैड कहाँ मारूँ। तो मैं जिस तरह अपने मैंने टीचर्स को फॉलो करा, एक हमारे मास्टर जावेद खान है, अली अनवर थे हमारे, एक हमारे मास्टर ताहिर थे जो हमारे शुरू शुरू के थे, तो अब मैं करता हूँ पैड रखा हुआ है ना तो पैड को मैं मुँह पे रखता हूँ मारो इधर। अच्छा। लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मुंह पे ना लग जाए, लेकिन मैं मुंह पे रखता हूँ, जैसे ही आता है तो मुंह पीछे कर लेता हूँ, पैड को नहीं लाता अपनी जगह से। अच्छा। यहाँ पैड रखा हुआ है, इसने केक मारी, मैं मुंह यूं कर लेता हूँ। तो बच्चे को पता है जब सामने फाइट होती है ना तो वो फिर उसको पता है किस एंगल पे और किस हाइट पे मारना है मुझे। अच्छा। तो उसकी केक फिर फाइट के अंदर सही जगह पे लगती है, इस तरह यहाँ पे मारना है। तो अभी बॉडी माशाल्लाह इतनी फिटनेस हो गई कि मैं खड़ा हो गया अपने पेट आ रहा होता हूँ कि चलो यहाँ मारो, अपनी बॉडी पे खा रहा होता हूँ, सिर्फ पैड मुंह पे रखता हूँ, बाकी मैं बॉडी पे खा रहा होता हूँ। जब फाइट होती है तो बॉडी सही जगह पे मार रहा होता है, सही एंगल पे और सही जगह पे मार रहा, तो पॉइंट सही ले रहा होता है। यानी कि पूरा अगर हम इन शॉर्ट, अच्छा इन शॉर्ट नाज़रीन, अगर हम बात करें टैक्वेंडो की, डिसिप्लिन सेल्फ डिफेंस है इन दी शॉर्ट, अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहकर ही अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आप बचा सकते हैं कि सामने वाले को भी नुकसान ना हो, यही है ना मास्टर जी? ठीक है नाज़रीन, ये सिखाने में है कि सामने वाले को नुकसान ना हो। सही। और फिर फाइट हो जाए तो फिर सामने वाले को भी नुकसान हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते।
फाइट हो जाए तो फिर तो करना है सामने वाले का नुकसान, लेकिन जब फ्रेंडली फाइट हो रही है तो कंट्रोल्ड किक होनी चाहिए, कंट्रोल पंच होनी चाहिए। अच्छा, कि भाई आपको मारना है तो यहाँ तक लाके हल्के से रोक देना है। अच्छा, पावर नहीं दिखानी आपस में जब हो रही हो। सही सही। और जब वो चैंपियनशिप में होती है तो दूसरा वाला भी हमारा लिहाज नहीं करता, हम भी नहीं करते। थैंक यू सो मच मास्टर जी, आपने हमें अपना टाइम दिया और इसी के साथ साथ हम आपको अब अलविदा कहेंगे। जी नाजरीन, ये थे आज के हमारे मास्टर जी, मास्टर श्री सुकरात फारूकी थे आज के हमारे मेहमान, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं मार्शल आर्ट्स की, टैक्वेंडो भी सिखा रहे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे होते हैं नाजरीन, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब मैंने सीखा है तो आगे के बच्चे भी सीखें, हमारे आज का जो हमारे आज का कल का जो फ्यूचर है वो भी सीख सकें और अपने आप को किसी मुकाम पर ला सकें। तो इसी के साथ साथ नाज़रीन अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, क्योंकि ज़िंदगी के सभी रंग 99 न्यूज़ के साथ।